तो हेलो ट्रेडर्स, तो अभी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है 1145 का, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे जो सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया है 1035 और 1145, वहीं का अगर हम पी देखें तो 1035 और 1145 यहाँ पे बहुत ही हाई, बहुत ही ऊपर है। अभी जो प्रीवियस कैंडल का 1135 को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है 1135 का, उसके बावजूद मार्केट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है, अभी बहुत सही दिख रहा है फ्यूचर चार्ट्स पे, लेकिन ऑप्शन पे वहीं पे जाएंगे जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मार्केट डाउन साइड जाएगा नहीं। इसका मतलब पूरा का पूरे जो मैनिपुलेशन चल रहा है यहाँ पे प्राइस का, जो बायर्स और सेलर्स जो है वहाँ पे दोनों साइड में मार्केट में पूरा का पूरा मैनिपुलेशन चल रहा है ऑपरेटर की तरफ से, क्योंकि ये अभी हाई पे चल रहा है। अगर हम जानते हैं मार्केट अभी अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मैं अपना बैंक निफ्टी 54,000 के चल रहा है अभी। अभी डेट है 23 जुलाई, 23 सितंबर का है, 23 सितंबर। तो मार्केट अभी नीचे जा रहा है, यहाँ से मार्केट ने हाई लिया है 54,000, वहाँ पे उसका लास्ट जो है पीक के हिसाब से है। तब भी मार्केट अगर हम देखेंगे गौर से तो ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन यहाँ पे ना ही फ्यूचर्स में जगह बन रही है ना ही ऑप्शंस में। अगर हम बाइक साइड पे देख लें तो ये जो है पीक आए 53,000 पी है, और ये अभी 53,900 का सी। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये बॉक्स बनाया है, बॉक्स से रिट्रेस करके मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे जो मार्केट में जो ऑपरेटर का पूरा गेम चल रहा है, यहाँ पे बस प्राइस को स्क्वीज किया जा रहा है। यहाँ पे जो भी बंदे बाय और सेल कर रहे हैं वो एक बॉक्स की तरह बना हुआ है, ये जो पूरा जो है यहाँ पे पूरा बॉक्स है, जिसकी वजह से जो भी बायर्स बाइंग और सेलिंग यहाँ पे हो रही है, ये पूरा इस रेंज में बाइंग और सेलिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बस अप और डाउन चल रहा है। जो भी बंदा यहाँ पे सोच रहा है कि यहाँ पे जाके इस साइड बेच दूंगा, फिर यहाँ पे प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर बेच दूंगा, फिर नीचे आएगा, मार्केट ऐसा नहीं करेगा। मार्केट बस कंसोलिडेशन करके यहीं पे घूमता रहेगा, और अपना थीटा थीटा जो डीके हो जाएगा, फिर अपना जो प्रॉफिट भी है वो भी चला जाएगा। आज बस बंदे ओवर ट्रेड करके फंसेंगे,